प्यारे दोस्तों, आप सभी को जो है मुरेश्वर देवनंदन महिला महाविद्यालय की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं चंद्रकेश चौहान ऑनलाइन की कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के जो फर्स्ट यूनिट में जो आपको रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पढ़ा जाना है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जैसा कि हमने आपको सिलेबस का एक लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हमने सिलेबस के बारे में डिटेल आपको बताया है। ठीक, आज हम जो है यूनिट फर्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जो एनिमल है जिसका नाम है युगलीना। युगलीना इस मायने में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं। इसीलिए यह एनिमल जो है एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, अर्थात ये प्लांट व एनिमल के बीच एक एवोल्यूशनरी आइडिया क्रिएट करता है जिससे हमको पता चलता है कि कैसे हायर ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। इसमें आप देखेंगे इस एनिमल के करैक्टर जो है कुछ प्लांट्स लाइक होते हैं और कुछ करैक्टर्स, मोस्टली जो करैक्टर्स होते हैं वह आपको एनिमल के समान पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। युगलीना, जैसा कि आप जानते हैं, इसका जो फाइलम है प्रोटोजोआ, ये बहुत ही सूक्ष्मदर्शी प्राणी होता है, अर्थात हम इसको केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। तो ये बिलोंग करता है सबसे फर्स्ट जो फाइलम है जिसका नाम क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ से ये बिलोंग करता है। दूसरा, इसमें देखिए जो कैटेगरी आती है ये सब फाइलम इसमें आता है, सब फाइलम। ठीक है, जो बिलोंग करता है विशेष रूप से ये सार्कोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, फाइलम इसका प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगो है। इसके अलावा जो क्लास, जो सुपर क्लास है जिसे हम लोग कहते हैं मेस्टिगोफोरा, ये सब फाइलम जो है कई सुपर क्लास में वर्णित है। तो ये सुपर जो क्लास इसका है, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा। ठीक है, सुपर क्लास किससे रिलेटेड है, मेस्टिगोफोरा। अब सुपर क्लास को और क्लासों में डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए क्लास रिलेटेड किससे है, तो इसका जो क्लास है फाइटो, चूँकि इसमें प्लांट लाइक करेक्टर है तो ये मेस्टिगोफोरा से रिलेट करता है, तो इसका क्लास हुआ फाइटो मेस्टिगोफोरा। ठीक है, क्लास। अब आते हैं आर्डर। आर्डर क्या है, युगलीनिडा। देखिए इसका आर्डर क्या है, आर्डर युगलीनिडा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन में ये फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा एंड आर्डर युगलीनिडा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन है तो ये किस में आता है, फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेट है, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा है, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा और आर्डर किससे है, युगलीनिडा। ठीक है, ये आर्डर बिलोंग करता है युगलीनिडा से। अब देखेंगे यहाँ पे, ये तो हमने आपको बताया कि ये कैसे क्लासिफाइड किया गया है युगलीना जो है। अब देख रहे हैं कि ये मेस्टिगोफोरा से रिलेटेड सुपर क्लास क्या है, मेस्टिगोफोरा। अब इसमें अगर हम बात करें और आर्डर के बाद जो
अलग जो है कैटेगराइजेशन इसका होता है, जो टैक्सास में क्रिएट होता है, इसे कहते हैं जीनस। जीनस में आप पढ़ेंगे विशेष रूप से युगलीना के बारे में, और ये जो हम आज पढ़ेंगे जो इसकी स्पीसीज है उसे कहते हैं युगलीना विरिडिस। ये बहुत ही पॉपुलर स्पीसीज है, ठीक है। आज हम इसके विषय में बात करेंगे। अब देखें तो सबसे पहले हम देखें ये एनिमल पाया कहाँ जाता है। तो आते हैं सबसे पहले हैबिट पर। आप देखेंगे एनिमल के जो हैबिट है, ठीक है, ये एक फ्री लिविंग होता है। कैसा एनिमल है? फ्री लिविंग मतलब ये मुक्त रूप से पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? वाटर। ये पॉन्ड्स में पाया जाता है, तालाब जिसे आप लोग कहते हैं, सामान्यतः पोखरों इत्यादि में भी मिलता है। विशेष रूप से उस प्लेस पे मिलता है जहाँ पे डेड व डेकेइंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस मैटर सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पे सड़े गले पदार्थों की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ऐसे ही आवास में रहना पसंद करता है। इसके अलावा देखेंगे कि हैबिटेट जो होगा इसका, हैबिटेट हमने बताया क्या है, एनिमल कैसा है? फ्री लिविंग। साथ में ये कॉलोनियल फार्म नहीं होता है, इट ओनली प्रेजेंट इन सॉलिटरी फार्म। मतलब ये अपना लाइफ साइकिल जो भी कंप्लीट जो करता है, ये फ्री लिविंग रूप से पाया जाता है, एकाकी रहता है, तो सॉलिटरी होता है। हैबिट क्या होगी? फ्री लिविंग और सॉलिटरी, ठीक है। हैबिटेट में कहाँ पाएगा? पॉन्ड्स, लेक, जो फ्रेश वाटर, ठीक है। इसके अलावा द प्लेसेज विच आर वेरी रिच इन द डेड एंड डेकेइंग नाइट्रोजीनियस मैटर, ऐसे प्लेस पर जो है ये आपको युगलीना पाया जाता है, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट। अब आते हैं हम लोग इसके विशेष रूप से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर। तो इसका देखेंगे जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, मतलब ये देखने में ये एनिमल कैसा लगता है, अब हम उस पर बात करेंगे। एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स सिंपली इसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर में आप देखेंगे इसका एक्सटर्नल जो फीचर है, इसकी बाह्य आकारकी के बारे में हम लोग विशेष रूप से स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं एनिमल जो होता है, ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी में देखेंगे तो इसका जो शेप होता है, द शेप ऑफ एनिमल इज फ्यूजी फार्म। मतलब यहाँ पे या स्पेंडल शेप्ड हो सकता है या फ्यूजी फार्म हो सकता है, ठीक। तो ये इसका जो शेप है वो कैसा है? स्पिंडल शेप्ड और फ्यूजी फार्म, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी में तर्क रूपी कहते हैं, ठीक। अब देखें ये स्पिंडल शेप्ड होता है या फ्यूजी फार्म रूप में पाया जाता है, ठीक है। द इंटीरियर पोर्शन, ध्यान सुने, देखें एनिमल का जो इंटीरियर पोर्शन है, द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द एनिमल इज ब्लंटेड, वेयर एज इट्स पोस्टीरियर इज मोर पॉइंटेड देन दैट ऑफ द एंटीरियर एंड। आप देख सकते हैं कि इसका जो पिछला भाग है, इसका पश्च जो भाग है वह बहुत ही पॉइंटेड है, किसकी तुलना में? अग्रभाग जिसे हम लोग एंटीरियर एंड कहते हैं, उसके कंपेरिजन में इसका पश्च भाग ज़्यादा पॉइंटेड होता है, ठीक है। ये तो बात हुई इसके एक्सटर्नल फीचर पे। अब आते हैं देखेंगे इसकी साइज क्या होती है, साइज, ठीक है, साइज पे। अब देखेंगे एनिमल की जो साइज होती है वह आपको 53 to 100 माइक्रॉन, मतलब देयर आर अ लार्ज ऑफ वैरायटी, ठीक है, प्रेजेंट विच रेंजेस इन बिटवीन 53 to 100 माइक्रॉन। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी साइज होगी, वह बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है, जो 53 माइक्रॉन से स्टार्ट होती है और 100 माइक्रॉन तक चलती है। तो ये इसके साइज के बारे में बात हुई। तो इस एनिमल की कई वैरायटी है, द साइज
द शेप एंड साइज ऑफ एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज वेराइटीज. यू सीन दैट द साइज रेंजेस 53 माइक्रॉन टू 100 माइक्रॉन. नाउ वी सी द अदर फीचर्स. आप देख सकते हैं द इंटीरियर एंड कंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. तो इसके इंटीरियर एंड पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोस्टोम. साइटोस्टोम इज आल्सो नोन एज सेल माउथ. ऐसे इसमें देखेंगे माउथ लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है बट इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, विच कंटेन अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रिजर्वायर इट्स इंटीरियर एंड. मतलब इसका अग्र जो भाग होता है थोड़ा डिप्रेस्ड होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं साइटोस्टोम सेल माउथ, मतलब कोशिका मुख के नाम से जानते हैं. यह एनिमल है तो फीडिंग का जो प्रोसेस होगा वह कहाँ से होता है, साइटोस्टोम से, ठीक है. अब देखेंगे यहाँ पे जस्ट बिहाइंड द साइटोस्टोम अंदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. मतलब साइटोस्टोम के तुरंत नीचे जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं साइटोफेरिंग्स. क्या कहेंगे इसे, साइटोफेरिंग्स. साइटोफेरिंग्स में साइटोस्टोम द्वारा लाया गया फूड मटेरियल जो है एंटर करता है, प्रवेश करता है और कहाँ आता है, साइटोस्टोम में. अल्टीमेटली द फूड मटेरियल रीचेस टू द स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, अ रिजर्वायर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रिजर्वायर. इसे हम लोग रिसेप्टिकल या आशय के रूप में भी जानते हैं. यहीं पर देखेंगे भोजन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो भी फूड एनिमल इंगेस्ट करता है, जो खाता है, वह सभी कहाँ होते हैं, रिजर्वायर के बेस पे कलेक्ट होते हैं. यू सीन दैट अंदर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द यूग्लिना. हेयर यू सीन फ्लैजिलम. फ्लैजिलम इज अ विप लाइक स्ट्रक्चर. मतलब ये कोड़े जैसे देखें संरचनाएं, दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक बहुत ही लंबा है, लॉन्ग है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लॉन्ग फ्लैजिलम, ठीक है. इसका बेस जो होता है देखिए इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड मोर एलॉन्गेटेड एंड विप लाइक इन नेचर. तो ये लॉन्ग फ्लैजिलम पाया जाता है. एक देखें द लॉन्ग फ्लैजिलम, ठीक है, arises at the base of the reservoir and protruded from the cytostomes. Long जो flagellum होता है इसका जो काम होता है यह locomotion में help करता है. तो the locomotory purpose is specially performed by the long flagellum. Here interesting that another flagellum, short flagellum is present. Which is only reaches to the cytopharynx, not protruded from the cytostome. तो आप देख सकते हैं कि short flagellum एक छोटा सा flagellum है जो इस आशय से reservoir से बाहर नहीं निकल रहा है, जो यहीं पे पाया जाता है. अब आती है दूसरी एक structures होती है. यहाँ पे देखें हेयर contractile vacuoles are present on the either side, one side of the रिजर्वायर. तो रिजर्वायर के एक साइड आप देख रहे हैं संकुचनशील रिक्तिका जिसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैकुल कहते पाई जाती है. ये दो फार्म में होती है, एक बड़ी होती है जिसे हम लोग कहते हैं लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैकुल, थोड़ा बड़ी साइज की होती है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैकुल. दूसरे जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं कि लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैकुल है, दीर्घ जो संकुचनशील रिक्तिका होती है वह कई सहायक या छोटी छोटी रिक्तिकाओं से घिरी होती है. तो जो छोटी वैकुल्स होती हैं उनका नाम है एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैकुल. अब हम कह सकते हैं कि लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल वैकुल कई छोटी एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैकुल से घिरी होती है. अल्टीमेटली द वाटर कलेक्टेड इन द एसेसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैकुल
discharge into the large contractile vacuole which ultimately reaches and bursts into the reservoir. In this way, the water moves from the cytostomum reaches to the outside surrounding. तो आप देख सकते हैं कि जो फूड का ऑस्मोसिस, जो फूड इत्यादि के जो वाटर फीडिंग के जरिए जो भी वाटर इत्यादि आता है बॉडी के अंदर, वो कई छोटी छोटी कंटेक्टाइल एसेसरी सहायक कंटेक्टाइल वेकुल बनती हैं जो अपने वाटर को ब्रस्ट करती हैं, किसमें? बड़ी कंटेक्टाइल वेकुल में. और यह अल्टीमेटली ब्रस्ट होता है किसमें? रिजर्वायर में. इस प्रकार से पूरे बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को, जो अतिरिक्त जल है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है. हम आते हैं दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं. देखेंगे इसके दूसरे, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिजर्वायर, रिजर्वायर के दूसरे साइड दे है एक विशेष स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा इट इज अ रेड और ऑरेंज कलर इन नेचर एंड स्फेरिकल बॉडी. ये देख रहे हैं एक स्फेरिकल बॉडी है जो आपको लाल रंग की या नारंगी रंग में हो सकती है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ऑर्गेनेल्स होता है. इसीलिए ये लाइट सेंसेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है जो बॉडी के अंदर लाइट से रिलेटेड जो एक्टिविटी को परफॉर्म करती है. अंदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर तो इसके साइटोप्लाज्म में देखेंगे एक दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे पैरा एमाइलन स्टार्च कहते हैं. आप जैसा कि जानते हैं पेड़ पौधे जो फोटोसिंथेसिस से क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं. वहाँ पे फूड बनता है और फूड को स्टोर किया जाता है. ठीक, तो स्टोर यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल एनिमल बॉडी के अंदर पैरा एमाइलन स्टार्च के रूप में पाया जाता है. यह एक पॉलीसेक्राइड होता है. ठीक है, यह वास्तव में है क्या? एक पॉलीसेक्राइड जिसमें कई सेक्राइड मतलब शुगर के कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं. ठीक है, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं. मतलब दीज आर प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड फॉर्म इनसाइड द साइटोप्लाज्म. आपको इससे की और बता दें जानकारी के लिए कि इसका साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ युगलिना Also divided into two structure. तो इसका साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, वह दो टाइप से डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म. तो इसका जो बाहरी होता है, ये बॉर्डर लाइन जो होता है, एक्सटीरियर जो पोर्शन का इसका साइटोप्लाज्म होता है, वह क्या होता है? नॉन ग्रेनुलर. बट इसका इंटीरियर जो साइटोप्लाज्म है, द इंटीरियर साइटोप्लाज्म इज ग्रेनुलर इन नेचर एंड कंटेन द मेनी सेल ऑर्गेनेल्स. और इसमें बहुत सारे जो हैं सेल ऑर्गेनेल्स या सेल इंक्लूजियन पाए जाते हैं. तो सेल के अंदर जो भी मैटर है वो इसके इंटरनल साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म के पोर्शन में पाया जाता है. और इसके अलावा देखें अंदर ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ युगलिना इज मायोनेम्स. मायोनेम्स आर स्ट्राइएशन दैट प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द युगलिना एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी. तो ये बॉडी को एक फ्लेक्सिबल बनाता है जिससे लोकोमोशन में इसको हेल्प होता है. लोकोमोशन के समय मतलब ये जब गमन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उस समय ये इसकी बॉडी को स्ट्रेच करने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे लोकोमोशन का जो प्रोसेस है, गमन का प्रोसेस है, वो बहुत ही आसान हो जाता है. साथ में ये बॉडी को क्या पड़ता है? इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, इससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, जस्ट लाइक रबड़ आप कह सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यह बहुत इंटरेस्ट है कि देखें एक एनिमल की बॉडी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द प्लांट एंड एनिमल. तो ये प्लांट और एनिमल दोनों को कलेक्ट कर रहा है, इसीलिए देखेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना एक बहुत ही मार्वेलस स्ट्रक्चर है, बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एनिमल बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. इट मीन्स दैट इट हैव ए कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर फूड. अपने भोजन को यह बना भी सकता है.
ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है। और एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो इसका होल जो बॉडी है, द बॉडी कवरिंग जो होती है उसको हम कहते हैं पेलिसल। पेलिसल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो होता है, बॉडी कवरिंग होती है जो कि प्रोटीन से बने एक आउटर कवरिंग होती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं यूग्लिना एक फ्री लिविंग और सॉलिटरी एनिमल है जो कि माइक्रोस्कोपिक नेचर का होता है। इसके बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। ओके।